नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत, और चलिए खबरों की शुरुआत 15 सेकंड में खबर के साथ करते हैं। मिस्र के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान से किया गया सम्मानित। पीएम ने गीजा के पिरामिड का भी किया दौरा। दो दिन की यात्रा के बाद दिल्ली रवाना हुए प्रधानमंत्री। इमरजेंसी की बरसी पर पीएम मोदी ने किया ट्वीट, कहा आपातकाल के काले दिन को भुला नहीं सके, आपातकाल के विरोध में खड़े होने वालों को भी किया याद। असम में कुदरत का रौद्र रूप, कई इलाकों में बाढ़ हुई विकराल। बेकाबू हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने असम के सीएम हिमंत विश्व शर्मा से की बात, हर संभव मदद का भरोसा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में दो मालगाड़ियों की टक्कर, दो गुड्स ट्रेनों के इंजन पलटे, रेलवे ट्रैक और मालगाड़ियों को पहुंचा भारी नुकसान। हरियाणा के पंचकुला से रेस्क्यू की खतरनाक तस्वीर आई सामने, घग्गर नदी के तेज बहाव में बही कार, कार में सवार थी महिला, लोगों ने जान जोखिम में डालकर बचाई जान। बुमराह की वापसी पर रवि शास्त्री का बड़ा बयान, बुमराह की वापसी में न हो जल्दबाजी, पिछले साल सितंबर से पीठ की चोट के चलते बुमराह चल रहे हैं बीमार। क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर रोमांचक मोड पर, जिम्बाब्वे ने वेस्टइंडीज को 33 रन से हराया। सुपर सिक्स में जिम्बाब्वे, नीदरलैंड और वेस्टइंडीज। मनोज मंतशेर फिर बरसे, मुकेश खन्ना का मनोज ने हनुमान जी से टपोरी भाषा बुलवाई, क्या बजरंग बली ऐसे बात करते थे। पाकिस्तान अंदा के साथ नजर आई सुहाना खान, डेटिंग की खबरों के बीच एक साथ हुए स्पॉट, दोनों साथ में कर रहे हैं बॉलीवुड डेब्यू। ब्रेकअप की अफवाहों के बीच साथ दिखे विजय रश्मिका, रेस्टोरेंट के अंदर हुए स्पॉट, सामने आया वीडियो। शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, अधिकारियों के साथ पीएम मोदी की तैयारियों का लिया जायजा, जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ भोजन करेंगे प्रधानमंत्री। शहडोल के पकरिया गांव में पीएम मोदी लगाएंगे चौपाल, महिला सशक्तिकरण की मिसाल है गांव, सरपंच उप सरपंच समेत 20 में से 13 महिला पंच। राजगढ़ में कल से बाबा बागेश्वर की कथा, हजारों महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। खिलचपुर में स्टेडियम ग्राउंड में 3 दिन तक बहेगी भक्ति धारा। भोपाल में नर्मदा के जल के लिए अनूठा प्रदर्शन, दानिश नगर के रहवासियों ने लगाए घर के बाहर बैनर, लोगों से मटका बजाने की अपील। पूर्व डीएसपी बीडी पांडे अपने समर्थकों के साथ बसपा में शामिल, विधानसभा चुनाव में आजमा सकते हैं हाथ। अब पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजस्व सांसद रामजी गौतम के सामने ली सदस्यता। सीहोर में बीएचपी की जन जागरण यात्रा, विश्व हिंदू परिषद ने निकाली जागरूकता रैली, धर्मांतरण लव जिहाद के खिलाफ अभियान। एमपी में विधानसभा चुनाव से पहले सक्रिय हुए हिंदू संगठन, 30 जून से बीएचपी की मालवा प्रांत की 3 दिवसीय बैठक, लव जिहाद धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दों पर होगा मंथन। छत्तीसगढ़ में बांकी मोगरा बनेगा नया नगर पालिका, कटघोरा विधायक की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, जल्द होगा निकाय का गठन। बीजेपी महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक, केंद्र की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए बनी रणनीति, राज्य सरकार की विफलताओं को बताने के लिए फिर रणनीति। सुकमा में 303 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया लोकार्पण शिलान्यास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को दी सौगात। मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान के तहत भोपाल जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, देश भर के 3000 कार्यकर्ता भोपाल में होंगे इकट्ठे, छत्तीसगढ़ से 100 कार्यकर्ता ट्रेन से भोपाल रवाना। जगदलपुर में धर्मांतरण पर सियासी रार, पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने साधा निशाना, धर्मांतरण के मुद्दे पर कवासी लखमा से मांगा इस्तीफा। बस्तर से कल शुरू होगा छत्तीसगढ़ कांग्रेस का बूथ चलो अभियान, पार्टी ने तेज की चुनावी तैयारियां, लोगों से सीधा संवाद बनाने की कांग्रेस की कोशिश। और आइए खबरों को